हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या बोलते हैं पोस्ट, और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। होप करता हूँ आप सभी बढ़िया कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की न्यूज़ से। तो मैं बात करने वाला हूँ फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा गाइस कि गौरव तनेजा सर अभी भी अपने जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो उसमें एक नई अपडेट आई है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। कैप्टन मनीष उपाल एंड मुकेश नीमा फ्रॉम एयर एशिया इंडिया आर सस्पेंडेड बाय DGCA इंडिया फॉर सेफ्टी वॉयलेशन एंड रिस्किंग पीपल लाइफ फॉर प्रॉफिट। ऑल द सेफ्टी एक्सपर्ट हु वर एक्टिंग एस PR एजेंट ऑफ एयर एशिया इंडिया यू आर कॉट विथ योर पैन डाउन # एयर एशिया इज अनसेफ पीपल दैट लाइव आर नॉट दैट चीप पीपल लाइव आर नॉट दैट चीप। तो ये गौरव तनेजा सर ने आज अपने ट्विटर पे डाला है और # एयर एशिया इज अनसेफ यूज़ भी करने को बोला है अपने वीडियो पे, अगर आज आपने उनका वीडियो देखा होगा। ऑल्सो उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है न्यूज़ एक्स ऑनलाइन पे, तो वो भी आ चुका है। मैं आपको उसका पोस्टर दिखा देता। एयर एशिया विसल ब्लोअर गौरव तनेजा ऑन द बिग DGCA डिसीजन। तो ये आज 10 बजे आपको देखने को मिल सकता है और अभी यूट्यूब में भी आ चुका है, तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ इरफान जुनेजो के बारे में। इरफान जुनेजो एक पाकिस्तानी व्लॉगर हैं और अभी वो एक दूसरा चैनल चला रहे हैं जुनेजो 2.0। तो उसमें उन्होंने आज एक वीडियो बनाई है। तो उन्होंने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जिनका नाम है खुजली फैमिली, उनके बारे में बताया है। तो उन्होंने कहा है कि उनका जो चैनल है वो डीमोनिटाइज हो गया है क्योंकि उनका चैनल हैक हो गया था। तो उन्हें क्या बोलते हैं, इरफान जुनेजा ने एक वीडियो बना के उसके बारे में पूरा बताया और इरफान जुनेजा ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ गाइज अगर आप हो सके इंडिया या पाकिस्तान जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आप उनके पक्के व्यूअर हैं और अगर आप एक यूट्यूबर को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यार एक बार उनको उनके नए चैनल, अगर वो जब भी नया चैनल क्रिएट करेंगे या उनके इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, एक बार उनको सपोर्ट कर दो। खुजली फैमिली उनका चैनल का नाम है, तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी गाइस, क्योंकि एक उनके जो यूट्यूब चैनल था वो 1.5 मिलियन का था। और उन्होंने बताया कि सेम केस कैरी मिनाटी के साथ भी हुआ था, लेकिन उनका चैनल तुरंत वापस आ गया था और उनका चैनल डीमोनेटाइज नहीं हुआ था। तो इन भाई जो खुजली फैमिली हैं उनका चैनल लेकिन डिमोनेटाइज कर दिया यूट्यूब ने, उनका चैनल वापस आ गया, लेकिन अब वो जो चैनल पे वीडियो डालेंगे वो कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा चाहे उसमें कितना भी व्यू हो जाए। तो एज अ व्यूअर आई नो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे डिफरेंसेज है, लेकिन एज अ व्यूअर एज अ यूट्यूबर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप कर सके हेल्प तो प्लीज़ गाइस कर दीजिए। क्योंकि यार एक किसी के बंदे के जब चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो यार प्लीज़ हेल्प कर दें, और अगर इस बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो सॉरी कहता हूँ एज ए इंडियन। तो होप करता हूँ आज की न्यूज़ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।